अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन, लोरी एसे फॉर प्रोटीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आफ्टर, सबसे ज़्यादा तो बायोरेट यूज़ हो रहा है क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये लोरी है और लोरी से भी अच्छा है एक ब्रेड फॉर एसे, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ये भी अच्छा मेथड है लोरी, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड को डिटेक्ट कर लेता है प्रोटीन को बड़ी इजीली। तो प्रोटीन क्या होती है? हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है और प्रोटीन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, और बहुत से अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन। तो ये जो लोरी मेथड है, आपको पता ही है, एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे है, ओलिवर एच लोरी। तो इसी वजह से इसको लोरी मेथड कहते हैं, क्योंकि इसने इसका रीजेंट डिस्कवर किया था 1940 के अंदर। ठीक है, ये बायोकेमिकल ऐसे है टोटल प्रोटीन को सैंपल के अंदर चेक करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो कलर ब्लू बन जाता है उसको कंसंट्रेशन को हम देखते हैं, जितना ज्यादा ब्लू कलर होगा उतनी ज्यादा प्रोटीन होगी सैंपल में। तो इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के यूज करते हैं कि कितना ज्यादा ब्लू कलर बन रहा है उतना, यानी कि कॉपर जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड से, और फिर बाद में जो सीव क्वालिटी रिएजेंट फिनोल सीव क्वालिटी रिएजेंट होलन, वो जो है ना पहले पर्पल कलर होगा फिर ब्लू कलर हो जाएगा जब हम फोलन सीव क्वालिटी रिएजेंट फिनोल डालते हैं। तो इसमें ये आपका ये प्रिंसिपल है, एल्कलाइन मीडिया के अंदर कॉपर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और उसकी वजह से पर्पल कलर आता है। फिर जब हम फोलन रीजन डाल देते हैं तो रिडक्शन होती है और ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, और उसको हम 665 या 660 के ऊपर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्कलाइन मीडिया के अंदर जो है कॉपर जो है वो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाता है, और क्यूप्रस जो है वो फिर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर जब हम फोलन को सीओकाल्टी रीजन डाल देते हैं तो उसमें होता है फॉस्फोमोलिबिडिक कम्प्लेक्स, जिसके अंदर दो चीज़ें मिलके ये कम्प्लेक्स बनाती हैं, एक सोडियम टंगस्टेट और दूसरा सोडियम मोलिबिडेट। ठीक है, और फॉस्फेटिक एसिड भी होता है। इसके अलावा इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। इसमें ओवरऑल होता क्या है, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं लाइक टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन होती है किसकी, फॉस्फोमोलिबिडो टंगस्टेन की रिडक्शन होती है हेट्रो मोलिबेडियम के अंदर, जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, और ये तब रिडक्शन होगी जब एरोमेटिक अमीनो एसिड मौजूद होगी। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोमोलिबिडम टंगस्टेट जो है ये हेट्रो मोलिबिडेनम के अंदर चेंज होता है और ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ये जो है बताता है कि गिवन प्रोटीन जो है वो ज्यादा है या कम है। तो जितने ज्यादा एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगे उतना ब्लू कलर ज्यादा आएगा, और ये अल्कलाइन एनवायरमेंट जिसकी पीएच अराउंड 10.5 होती है उसके अंदर ये होता है। ये आप देखें, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स देता है ब्लू इन द अल्कलाइन बॉन्ड। तो इसमें रिएजेंट की कंपोजिशन है 2% सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं हम 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, यानी कि 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेके उसको 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड को अप टू 100 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजॉल्व करते हैं, और 1% सोडियम पोटासियम टार्टारेट जो है वो हम वाटर के अंदर बनाते हैं, 1 ग्राम लेके आप 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। फिर 0.5% कॉपर सल्फेट है, उसको हम 0.5 ग्राम को लेके आप 100 ml डिस्टिल वाटर में तैयार कर लेते हैं। तो इसमें जो रीजेंट ए और बी बनता है, वर्किंग रीजेंट इसको हम कहते हैं,
इसमें 40 ml जो है वो हम वो सोल्यूशन ले लेते हैं, उसमें 1 ml बी का डाल देते हैं और 1 ml सी का डाल देते हैं, तो ये डिटर्जेंट वहाँ तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ज़्यादा ये होता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरे नंबर पे सोडियम पोटासियम टार्टरेट 1 ml होता है, और 1 ml कॉपर सल्फेट। तो इसमें रिजेंट टू की कंपोजिशन क्या है, वन पार्ट ऑफ कोलन फिनोल रिजेंट लेते हैं, ठीक है, वो भी आप उसके अंदर बाद में डालते हैं। तो कोलन फिनोल रिजेंट की कंपोजिशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। तो इसमें फोलन सिक्योरिटी फिनोल रिजेंट कैसे बनेगा, आपने 10 ग्राम सोडियम टंगस्टेन लेना है, उसमें आपने 2.5 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट डाल देना है, फिर इसको आपने पहले 50 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लेना है, फिर फाइनल वॉल्यूम 70 ml कर लेना है, फिर उसके अंदर आप 5 ml 85% फास्फोरिक एसिड डालेंगे और 10 ml कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, फिर बॉयल करेंगे 10 घंटे के लिए। जब बॉयल हो जाएगा क्लोज वेसल के अंदर का करना है ताकि उसके वापर बाहर ना जाए, फिर उसके अंदर आप 15 ग्राम लिथियम सल्फेट डालेंगे, 5 ml वाटर और 1 ग्राम ब्रोमीन का, फिर उसको 15 मिनट के लिए क्लोज वेसल के अंदर बॉयल करेंगे और फिर ठंडा करके फाइनल वॉल्यूम 100 ml कर लेंगे। इस तरह टू नॉर्मल आपके पास फोलर सीओकार्डी फिनोल रिएजेंट तैयार हो जाएगा। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने हैं प्रोटीन के 20, 40, 60, 81, ये आपने बनाया मसलन इधर, वो हमने पहले बना के रख लिया 100 मिलीग्राम सॉरी 100 माइक्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड बना के रख लिया, फिर हम उसकी जो है वो डिल्यूशन करते रहते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट को, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं इधर से, ये आपका ये स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है, पहले ब्लैंक में हम प्रोटीन नहीं डालते, बकाया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर माइक्रोग्राम आएगा फर्स्ट प्रोटीन का, दूसरी में 40, तीसरी में 60, चौथी में 80, पांचवी में 100 और छठी में 120 माइक्रोग्राम पर एमएल आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने स्टैंडर्ड का जो आपने 100 माइक्रोग्राम पर एमएल का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें से आप 20 माइक्रोलीटर लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी प्रोटीन की वो 20 माइक्रोग्राम होगा, यानी कि 200 माइक्रोलीटर लेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होगी 20, ठीक है, उसमें 1.8 ml आप वाटर डाल देंगे, फिर जो आपने रिजेंट बनाया हुआ है वर्किंग रिजेंट वन, ठीक है, जिसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं, इसमें सोडियम मोलिब्डेट होता है, सोडियम टंगस्टेट होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये आपने 4 ml लेना है, ठीक है, सब में 4 ml 4 ml डालना है, ये स्टैंडर्ड के अंदर भी और नीचे सैंपल के अंदर, फिर जब ये आपने डाल देना है 10 मिनट के लिए सारी ट्यूब को इनक्यूबेट करना है, ठीक है, फिर जब 10 मिनट के बाद आप इनक्यूबेट कर चुके होते हैं, पर्पल कलर आ चुका होता है, तो ये आपके ऊपर स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन लिखी हुई है 100 माइक्रोग्राम पर ml, ये स्टैंडर्ड से 0.2 लेंगे वो किसके इक्वल होगा 20 माइक्रोग्राम के अंदर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन और ये वाटर उसी तरह कम होता जाएगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड यूज करेंगे उतना वाटर कम होता जाएगा, इसलिए ये जो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है ये सबसे ज्यादा है, इसमें आप 1.2 ml यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड का। तो इसी तरह इसमें पानी 2 ml किस तरह बनेगा, 1.2 ml प्लस 8 8 8 यानी कि 800 माइक्रोलीटर आप उसमें पानी डालेंगे, तो उसका फाइनल वॉल्यूम 2 ml, आपने यहाँ तक फाइनल वॉल्यूम 2 ml करना है, ठीक है। अगर ये 200 माइक्रोलीटर है तो ये 1.8 ml है, ठीक है, तो ये 2 ml हो जाएगा, ये 1800 माइक्रोलीटर है तो इसमें 200 माइक्रोलीटर डालेंगे तो 2 ml आ जाएगा, 2 + 4 = 6, फिर
फिर 10 मिनट की इंक्यूबेशन, फिर आपने जो रिजेंट थी फॉलन सीक्वालिटी रिजेंट का बनाया वो डालना, फिर 30 मिनट का इंक्यूबेशन करना है, फिर अब्जॉर्प्शन ले लेनी है 665 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, जो प्रोसीजर आपने सेंटर के लिए किया है वही आपने सैंपल के लिए करना। ठीक है, जो प्रोसीजर आपने स्टैंडर्ड के लिए किया है वही सैंपल किया है। तो इसमें स्टैंडर्ड की आपने बड़ी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन दिखाई है, उसी तरह इधर स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कम है वाटर ज्यादा, इधर स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर कम है। तो ये 2 ml बनाना है स्टैंडर्ड और वाटर को मिला के, फिर इसमें आपने रीजन वन डालना है 10 मिनट की इंक्यूबेशन, फिर रीजन टू जो पोलन की उसी क्वालिटी रीजन है, फिर 30 मिनट की इंक्यूबेशन, फिर रीडिंग ले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। तो सैंपल की, ये जो सैंपल होते हैं इसमें आपको कंसंट्रेशन पता नहीं है, ये हम स्टैंडर्ड की ऑब्जॉर्प्शन, और अगर आपके सैंपल की ऑब्जॉर्प्शन एक जैसी आ रही है तो लेट्स सपोज कि ये आ रही है, इसकी ऑब्जॉर्प्शन आई है 100 माइक्रोग्राम वाले की आई है 0.1, और आपके सैंपल की भी 0.1 आई है, तो आप कहेंगे कि तो आपके जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो 100 माइक्रोग्राम पर ml है। ठीक है, तो इसमें आप सैंपल लेते हैं जितना, मसलन अगर आपने 1 ml सैंपल के लिया है तो 1 ml उसमें डिस्टल वाटर डालेंगे। ठीक है, 2 ml आपने फाइनल बना, फिर उसमें 4 ml रिजेंट वन और 10 मिनट इंक्यूबेशन, फिर 0.5 ml वर्किंग रिजेंट टू, और फिर 3 मिनट की 30 मिनट की इंक्यूबेशन, और फिर आपने रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, तो आपने कर्व एक प्लॉट करना है, एक साइड पे आपने एक्स एक्सेस पे रखना है प्रोटीन कंसंट्रेशन और वाई एक्सेस के ऊपर आपने अब्जॉर्प्शन रखनी है। अब जब स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी ऑब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी इसका मतलब है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी सही काम कर रहा है और आपका जो वर्किंग रिजेंट है वो भी सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप मेजर कर लेते हैं कैसे सैंपल की ऑब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड की ऑब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अच्छा, जिस स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन से आप डिवाइड करेंगे ना वो ही इधर लिखना है, मल्टीप्लाई उसी से करना है। मसलन स्टैंडर्ड की अब्जॉर्प्शन आई है 0.1 और उसकी कंसंट्रेशन है 100 माइक्रोग्राम, तो इधर आपने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिस स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन से की अब्जॉर्प्शन से आप डिवाइड करेंगे उसी से उसकी कंसंट्रेशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ये लोरी का मेथड है। थैंक यू, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल। अब हम एक वीडियो भी देख लेते हैं इसकी, एक वीडियो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने से ब्लैंक रखा है, ये स्टैंडर्ड वन है, ये स्टैंडर्ड टू, ये स्टैंडर्ड थ्री है, ये स्टैंडर्ड फोर, स्टैंडर्ड फाइव, ये रीजेंट्स हैं, रीजेंट वन रीजेंट टू और ये फॉलन सीक्वालिटी रीजन है। तो स्टैंडर्ड को आपने बना लिया, ठीक है, 20 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 60, 80, 1, 1, 2, यानी कि 120 माइक्रोग्राम, और ये आपने ये सारे बना लिए, फिर उनके अंदर रिजेंट डाल लिए। पहले जो रिजेंट हुआ जिसमें कॉपर सल्फेट भी होगा, सोडियम मोलिब्डेट भी होगा, वो आप 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे, यानी कि 4 ml रिजेंट वन प्लस 2 ml आपका सैंपल या स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसके बाद आपने इंक्यूबेशन करनी है। ठीक है, पहले अब फिर आपने जब 10 मिनट की इंक्यूबेशन हो जाएगी फिर वर्किंग रिजेंट 2.5 ml डालना है। ठीक है, ये वर्किंग रिजेंट टू डालने लगे हैं फोलिन सीक्वालिटी रिजेंट। ठीक है, तो फोलन सीक्वालिटी रिजेंट डालने के बाद जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाएगा, ये देखें ब्लूइश कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, लाइट ब्लू कलर आना शुरू हो गया, अगर प्रोटीन ज्यादा होती तो डार्क ब्लू कलर हो जाता।